आई एम एम डी हियर। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ थ्री एंजल में। दोस्तों, यहाँ पे आज एक न्यू रीडिंग लेके आए हैं, जिसमें से हम बताएंगे कि आपको क्या पसंद है, आपके जीवन में आपको क्या करना पसंद है। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जाएगा कि आप अंदर से क्या चीज़ पसंद करते हैं। सबकी पसंद नापसंद की कुछ बातें होती हैं दोस्तों, जिसमें से आज हम ये बताएंगे कि आपको क्या करना पसंद है। अब हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे या ना करे, लेकिन आप एक बार देखने की कोशिश करिए और महसूस करिए कि क्या ये सही है। अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप इसी तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसी खुशी से रहिए। दोस्तों, आज हम ये रीडिंग देखिए। दोस्तों, यहाँ पे 5 कार्ड रखे हुए हैं। यहाँ द फूल, प्रेटेंस, फ्रेंडलेस और पॉसिबिलिटी और एक्सेंस। आप इसमें से या चित्र वाइज आप कोई भी एक 5 फाइल में से या नंबर वाइज भी आप चुन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से कोई भी एक आप कार्ड चुन सकते हैं। फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपको क्या पसंद है। जिन्होंने पहला कार्ड चुना है दोस्तों, उसके लिए ये बताया जा रहा है कि आपको मस्त रहना, मस्त मौले की तरह रहना, बिंदास रहना बहुत पसंद है। आप किसी का आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं महसूस करने देना चाहते हैं, ना नियंत्रण बर्दाश्त करते हैं। आप एकदम खुले दिल के इंसान हैं, बहुत ही मस्त मौला इंसान हैं। आप बहुत खुशी खुशी जीवन जीना चाहते हैं, एकदम बिना डरे, बिना बिंदास आप कोई काम करते हैं। आपकी पसंद यही है दोस्तों। यहाँ की ये बताया जा रहा है कि आप जो ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, बेफिक्र निर्भय होकर करते हैं, एकदम मस्त मौला होकर करते हैं। आपको नुकसान या लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं, अब बस मस्त मौला करते ही जाते हैं, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलता है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आप चाहे वो नौकरी हो, चाहे जॉब हो, चाहे प्यार हो, आप सच्चे दिल इंसान हैं, जिसके कारण आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, हर क्षेत्र में आप आगे रहते हैं। हाय गाइस, जिन्होंने सेकंड फाइल चुना था, उस कार्ड से ये पता चलता है कि आपकी जो पसंद है, आप में धीरजता बहुत है, धीरज बहुत है। आप आवेगी नहीं है, क्रोधी नहीं है, आवेशी नहीं है। आप बहुत धीरज वाले व्यक्ति हैं, बहुत सौम्य व्यक्ति हैं। आप किसी भी स्थिति में आप बहुत ही समझदारी से, बहुत धीरजता से काम लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये मन का कारक होता है चंद्रमा, और आपका जो मन है वो बहुत मजबूत है। आपको ये पसंद है, धीरज आप में जो गुण है आपका, बहुत ही अधिक प्रभावशाली है आपके लिए। क्योंकि इंसान अपना धीरजता खो देता है या धीरज खो देता है, फिर वो क्रोधी और उग्र हो जाता है। आपकी पसंद है कि आप कोई भी काम करते हैं तो धीरजता से करते हैं, धीरज से करते हैं, और आपका काम वो हमेशा ही सक्सेस रहता है, सफल रहता है। लेकिन ये है कि कभी कभी आप भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। बस इतना ही आप में वो है कि आप निर्णय सही लीजिए। धीरज तो है आप में, सौम्यता भी है व्यवहार में, लेकिन निर्णय जो है वो आप लेते हैं, लेकिन बहुत सटीक नहीं ले पाते हैं। इसमें आप थोड़ा सा सही निर्णय लीजिए और आप जीवन में हमेशा ही सक्सेस रहेंगे। हाय गाइस, जिन्होंने तीसरे नंबर का फाइल फ्रेंडलेस जो चुना है, वो बहुत ही प्यारा कार्ड निकल के आया। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप की जो पसंद है, आप जो मित्रता करते हैं, जो दोस्ती करते हैं, बहुत दिल से निभाते हैं। आप में ये खूबी है कि आप जिसको भी दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं, उनके भावनाओं का ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ आप दोस्ती नाम मात्र के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए बनाते हैं, और बहुत ही सजगता के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, स्नेह के साथ अपनी आप मित्रता को निभाते हैं आप लोग। यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग आपको समझते नहीं हैं, जो ये आपकी पसंद को आप लोग समझ नहीं पाते हैं। उन लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, बाहरी आडंबर कर रहे हैं, लेकिन आपकी पसंद ये है कि आप बहुत ही जिससे भी मित्रता करेंगे, दोस्ती करेंगे, दिल से करेंगे और दिल से निभाएंगे।
चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। यहाँ पे दोस्ती आपका, यहाँ पे दोस्ती का उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, कृष्ण और सुदामा जैसा दोस्ती है आप लोग का, बहुत दिल से प्यार है, दिल से स्नेह है। यहाँ पे आपकी ये जो पसंद है बहुत ही प्यारी है, वो आप दिल में कुछ रखते नहीं हैं, जो भी आपको कहना रहता है आप मुंह पे कह देते हैं, आप उनके मुंह पे बता देते हैं कि आप में ये बुराई है ये अच्छाई है। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी पसंद मानी जाएगी दोस्तों यहाँ पे, और एक दूसरे की भावनाओं को आप कदर भी करोगे, जब आपको वो समझने लगेंगे तो आपकी भावनाओं का भी वो कदर करेंगे, आप भी उनकी भावनाओं को कदर करोगे, और आपकी जो पसंद है बहुत उच्च कोटि की पसंद है। हाय गाइस, जिन्होंने चौथे पॉसिबिलिटी करके कार्ड चुना है, चौथे नंबर का कार्ड चुना है, वो भी बहुत ही प्यारा कार्ड आया कि आप बहुत ही, आप में ना सजगता है, आप कोई भी काम बहुत ही सजगता से, बहुत ही तीव्र गति से देख के, मतलब आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप ये सोचते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप में ये खासियत है पॉसिबिलिटी, मतलब आप किसी भी चीज़ को बहुत जिम्मेदारी से निभाते हैं, बहुत ही करीबी से निभाते हैं, बहुत ही नियंत्रण से निभाते हैं। यहाँ पे ये निकल के आया है दोस्तों, आपकी पसंद है कि आप जिम्मेदारियों को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, आप बहुत ही अच्छे से किसी भी काम को करना जानते हैं कि ये गलत है या सही है। दोस्तों इसमें बहुत ही प्यारा कार्ड निकल के आया यहाँ पे कि आप किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। दोस्तों आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जिम्मेदारी वाली है। यहाँ पे अगर कोई भी काम आप अपने हाथ में लेते हैं तो उसको बहुत ही सटीक तरीके से करना, बहुत नियंत्रण तरीके से करना, बहुत ही अच्छे से करना आपका पसंद होता है दोस्तों। चाहे वो कोई भी काम हो, पढ़ाई का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे वो कोई भी कर्म हो, आप बहुत ही मेहनत से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप करते हैं दोस्तों। हाय गाइस, जिन्होंने फिफ्थ नंबर का कार्ड चुना है एक्सिस, वो कार्ड बहुत ही प्यारा है, बहुत ही एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक है, जिन्होंने भी चुना है बहुत ही प्यारा कार्ड चुना है दोस्तों। यहाँ पे इनके पसंद की बात ये बताई जाती है कि इनको जो है ये अपने अस्तित्व को खोजते रहते हैं, इनकी पसंद ये है कि अपने अस्तित्व को खोजते रहते हैं। ये जो कार्ड है स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। कोई भी चीज़ सोचते हैं तो पहले ईश्वर का नाम, गॉड का नाम, आप जिस भगवान को मानते हैं पहले आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं दोस्तों, और आप में वो शक्ति भी है। आप अपने अस्तित्व को ढूंढते हैं कि भगवान ने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, ये आपकी पसंद है, और आप वो करना भी जानते हैं क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं दोस्तों। आपका पसंद है, आप बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी पसंद है कि आप कोई भी काम करते हैं वो बहुत ही जिम्मेदारी से, अनुशासन से और नियंत्रण से करते हैं। कुछ भी करते हैं आप, कोई भी काम करें उसमें एक बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही अच्छा सरल व्यवहार रहता है दोस्तों आपका। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप अपने अस्तित्व को बना कर रखना आपका पहला पसंद है। आप अपने अस्तित्व को पहचानते हैं, अपने अस्तित्व को जानते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है, और इसी से दूसरे लोग भी आपको पहचानते हैं कि हाँ ये ऐसे व्यक्ति हैं। यानी आप में आपकी जो पसंद है बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्पिरिचुअल निकल के आई दोस्तों यहाँ पे, और आप में बहुत ही नियंत्रण करने की शक्ति है, बहुत ही बहुत आप एक धर्म गुरु भी बन सकते हैं, आप बहुत बड़े समाज सेवक भी बन सकते हैं या सलाहकार भी बन सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये फाइल बहुत ही प्यारी, बहुत ही यूनिक निकल के आई। आपका जो पसंद है बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। अगर ये फाइल आपको रेजोनेट करती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।